नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। इस समय कुरैसीपुर गांव से लाइव है और एनआईटी 86 के पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना का लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है। आज लगभग 370 दिन हो चुके हैं। आज कुरैसीपुर गांव में नगेंद्र भड़ाना के बड़े बेटे रजत भड़ाना जनसंपर्क पहुंचे हुए हैं। देखिए, लोग पगड़ी बांध कर उनका स्वागत करने चल रहे हैं। अभी आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, नगेंद्र भड़ाना के बेटे रजत भड़ाना कुरैसीपुर गांव पहुंचे हैं और पगड़ी बांध कर सरदारी उनका स्वागत कर रही है और इधर लोग ताली बजाकर स्वागत कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, गांव की सरदारी मौजूद है यहां पर। देखिए, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, पगड़ी बांधकर रजत भड़ाना का स्वागत किया जा रहा है। नगेंद्र भड़ाना के बेटे हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है। लगभग आज 370 दिन हो चुके हैं, एक साल से जनसंपर्क अभियान लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में आज कुरैसीपुर गाँव पहुँचे और देखिए, लोगों ने उनका पगड़ी बांध कर और माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखिए नगेंद्र भड़ाना जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, क्या नाम है ताऊ? यही के हैं? रामवीर, यही के हैं? क्या माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। समर्थन मिल रहा है नगेंद्र? 100% 100%। अरे 101% से जाएगा भाई, 101% से। हाँ, घबराने कोई बात ना, टेंशन नहीं लेने का। देख सकते हैं, कुरैसीपुर गांव के लोग कह रहे हैं कि 101% समर्थन मिलेगा नगेंद्र भड़ाना को। देखिए, यहां पर अभी स्वागत का सिलसिला जारी है और रजत भड़ाना ने भी गांव के लोग माला पहनाकर उनका सम्मान किया। आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, देखिए कुरैसीपुर गांव से लाइव है और नगेंद्र भड़ाना का जनसंपर्क अभियान जारी है और आज उनके बेटे रजत भड़ाना पहुंचे हुए हैं कुरैसीपुर गांव में। आप देख सकते हैं, अभी बातचीत करते हैं गांव के लोगों से। क्या नाम है जी? मोहम्मद जावेद अली। समर्थन मिल रहा है नगेंद्र भड़ाना? पूरा समर्थन मिल रहा है, सारे इलाके में समर्थन मिल रहा है। अभी धौज गांव में गए थे, वहां भी लोगों ने समर्थन को जो है बहुत किया है। कुरैसीपुर गांव कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, अच्छा समर्थन मिल रहा है। यहां के गांव का मौजूदा सरपंच और यहां की सरदारी सब साथ है नगेंद्र भड़ाना जी के साथ। नगेंद्र भड़ाना के जो बेटे सपुत्र आए हैं, उनके छोटे बड़े बेटा रजत सिंह, उसके समर्थन में पूरा गांव खड़ा है। आप लोग भी कर रहे हैं सबको? बिल्कुल कर रहे हैं जी। रजत जी, गांव वाले पूरे समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल, हमारे सरपंच साहब, हमारी तमाम सरदारी हमारे साथ है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, हमारे नौजवान साथियों का पूरा साथ मिल रहा है। तो इसे हमें उम्मीद है कि आने वाली 1 अक्टूबर को नगेंद्र भड़ाना जी भारी से भारी मतों से विजय होंगे। रजत जी, आप युवा है, युवाओं के बीच जा रहे हैं, क्या रुझान लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा रुझान है, बाकी आप स्वयं देख सकते हैं। हाँ, देख तो रहे हैं। बाकी आप आए हैं कुरैसीपुर गांव में, अभी 1 महीने पहले कुरैसीपुर गांव ने जो है बिजली पानी की समस्या को लेकर सोहना रोड भी जाम किया था। जी जी, तो इन सब की समस्या खत्म करवाएंगे आप? बिल्कुल करवाएंगे, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सीवर की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, हम तमाम समस्याओं का समाधान करने का काम। आपके पिताजी लगभग 1 साल से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, तो तैयारी तेज करेंगे आप लोग? बिल्कुल, आप देख सकते हैं, खुद ही तैयारियां हमारी शुरू हो चुकी हैं। हमारे तो 1 साल पहले से तैयारियां चल रही हैं। हाँ, 370 दिन हो गए जी। क्या नाम है जी? बड़े सरपंच। सरपंच साहब, कैसा माहौल चल रहा है? बढ़िया चल रहा है जी। समर्थन देंगे? हाँ, फुल। अबे पीछे जो है फतेहपुर तागा में भी जो है लोगों ने समर्थन देने का वादा किया था, धौज में भी किया था। ना, सब साथ रहेंगे, सब साथ रहेंगे, कुरैसीपुर साथ साथ रहेंगे। कितने वोट है लगभग? हाँ, बैठेंगे 5,000 से ऊपर वोट है। 5,000 वोट है, सब साथ रहेंगे? हाँ, साथ रहेंगे। ठीक है सरपंच साहब, आप लोग देख सकते हैं कुरैसीपुर गांव के लोग कह रहे हैं कि नगेंद्र भड़ाना का जो है साथ देंगे और पिछली बार जो चूक रह गई थी, इस बार चूक नहीं होने देंगे। पिछली बार चूक कर गए थे, इस बार नहीं चूक होगी? ऐसा है जी, हम इंसान हैं, कोई फरिश्ते नहीं है, गलती तो हमेशा होती रहती है, चूक इंसानों से बनती रहती है। लेकिन अब की बार नगेंद्र भड़ाना का वो इलाके का अंदर माहौल है, अभी तक आज तक किसी का हुआ ना होता रहेगा, ठीक है। और रही बात ये नगेंद्र भड़ाना, वो चीज है जाके 10 भाई गैले रहे, जाके 10 भाई गैले रहे, जाके पुत्र रहे 2-4, उन गलिया वो गरियाले हंसते फिरे, उनके दिल में उठे है उलार। तो बहुत बढ़िया कह दिया आपने, क्या बात तो है जी, समर्थन देंगे हैं? बिल्कुल समर्थन है, जी से जान से, तन मन धन से नगेंद्र भड़ाना वो चीज है। जल को जाडा ना लगे, जल को जाडा ना लगे, लगे ना गन को धूप, हीरा को बरखे को जोहरी कदर, बाकी क्या जाने बेगू। नाम भी बता दो चाचा अपना। मेरा नाम करीम खान, गांव धौज, चौधरी करीम खान बिल्ला का। अभी आपने सुनाया क्या बोलते हैं इसको? क्या जी? जो अभी आपने सुनाया क्या बोलते हैं इसको? दोहा,
दोहा बोलते हैं जी। दोहा सुना दिया चाचा ने, मजा आया? हाँ बहुत अच्छा लगा जी। चाचा करीम यहाँ के जो विधायक है कभी आए हैं कुरैसीपुर गाँव में? मौजूदा है वो? नहीं, उनका तो जी वो काम है। अब उसने वो काम किया पब्लिक के साथ में, अब तेरो एक फूल पे हित नहीं, तेरो एक फूल पे हित नहीं लेवे तो फूल फूल की बात। ऐसे कपटी मिंत को अब जग में कौन करे विश्वास? ठीक है, होगी एक बात की उसकी। कपटी बता रहे हैं विश्वास नहीं करेंगे? नहीं जी, कभी भी नहीं, आने वाले समय के भी नहीं। बिल्कुल निकंदर भंडाना के साथ है, साथ रहेंगे, इतने जिएंगे। और बोल, यहाँ की जो समस्या है आप लोगों ने बताया रजत भंडाना जी को? हमें पूरा यकीन है, जो कह दिया उनके बेटे ने वो हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा है। रजत जी, यहाँ के लोगों ने आपको कुछ समस्या बताई कुरैसीपुर गांव की? जी यहाँ पे तमाम समस्याएं हैं, जैसे सीवर की समस्या, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, उन तमाम समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। ठीक है रजत जी, आप लोग देख सकते हैं कुरैसीपुर गांव के लोग जो है समर्थन कर रहे हैं, और जो है लगातार समर्थन मिल रहा है। पीछे जो है फतेहपुर तगा में जो लोगों ने समर्थन किया था, धौज गांव में कह रहे हैं का शेर और सुना दो। शेर तो हम सुना देंगे, शेर की कोई बात नहीं है। उसने किया जो हमारे साथ नीरज शर्मा ने, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। अगर सामने भी अगर वो आए, देखेंगे उसको न ये बेबस निगाहें, जिनके लिए हम फना हो गए वे वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वाह, मौत कर दिया आपने तो, हैं? बेबस हो चुके हैं? हाँ जी, बेबस हो गए बिल्कुल। हाँ जी, निकंदर भंडाना जिंदाबाद, और हमारी सब भाइयों की तरफ से निकंदर भंडाना जिंदाबाद। ठीक है जी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ के लोगों ने जो है नगेंद्र भड़ाना को अपना समर्थन देने का वादा किया है। आगे जो भी होगा आपको बताएंगे, तब तक आप देखते रहिए फरीदाबाद न्यूज। नमस्कार।